फ्रोन है आज के विजेता। अल्ट्रासोनिक वेव आक्रमण। और फ्रोन के लिए ये एक शानदार जीत है। क्या बाजी मारी मेरे दोस्त। मिलियन, इसे खत्म कर दो। आइस बर्ड। लकी और फ्रोन ने तो खिताब अपने नाम कर ही लिया है। इसे कहते हैं बर्फ के शहजादे लकी का कमाल। लकी की जीत हुई पक्की। अरे लकी, पता है वो तुमसे अभी नफरत करता है। तुम्हारे अगले मैच में यही है ना, क्या तुम इसे जानते हो? काफी दिनों बाद मिले लकी। तैयार रहना, अगले मैच में तुम्हें मसल दूंगा, ये मेरा वादा है। हे सुनो, कोई तुमसे बात करे तो तुम ऐसे पेश आते हो? मैं तुम्हें बात करने की तमीज सिखाऊं क्या? आयशा, रहने दो। ऐ, वहीं रुक जाओ। तुम रुक। आज भी ये बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या वाकई ऐसा है? अरे दोस्तों सुनो सुनो, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये है एक बेहतरीन ब्लिंग ब्लिंग पिज्जा का मुफ्त कूपन। ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। कौन चलेगा मेरे साथ? मैं मुझे मैं। मुझे ले चलो। सैम, तुम नहीं आ रहे हो क्या? हाँ? सैम, तुम आ रहे हो या नहीं? क्या तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तो क्या ये वो कूपन है? हाँ, इसकी तारीख तो निकल चुकी। ओ हाँ, ये तो कल तक का था। हाँ? हाँ? तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। पिज्जा, मेरा प्यारा पिज्जा ऐसे ही चला गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इसे वाकई में सदमा लगा है। हे बच्चों, मैं सभी के लिए मुफ्त के पिज्जा कूपन लाया हूँ, जाना चाहोगे? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा। मैं भी। मुझे भी। ठीक है, अच्छा ये चार लोगों के लिए है, तुम सभी जा सकते हो। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्या लाजवाब खुशबू है। पिज्जा जल्दी से आ जाओ, इतनी भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं। पर ऑर्डर को सिर्फ एक मिनट ही हुआ है। लग रहा है एक घंटा हो गया। भूख से मर रहा हूँ। हाँ, तुम मेरी भी भूख बढ़ा रहे हो, अब पेट में चूहे दौड़ने लगे। सैम, हम बाहर पिज्जा खाने आए हैं, तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या किसी बात से परेशान हो? नहीं कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात सोच रहा हूँ। मुझे बताओ, कहीं ये लकी की वजह से तो नहीं? लकी? वो सैम से रूखा बर्ताव भी कर रहा था, देखा था ना? एक वक्त सैम और वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। सुना है छेड़खानियों के कारण उसको दूर भेज दिया था, लेकिन उसे लगता है उनके पीछे सैम का हाथ है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं। क्या? ये सही नहीं है, सैम ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो भी हो, शुरुआत इस कहानी से हुई थी।
ऐसा मत करो, सनी को चोट लग जाएगी, इसे वापस दो। अरे वो बाहर वाले के साथ खेलने के लिए हमारा शुक्रिया कहना चाहिए क्या? बहुत हुआ, अब बस भी करो, बंद करो अब। सनी तुम कहाँ हो? नहीं सनी, सनी किसने किया ये? सैम इस लड़के के साथ ज्यादा ही बुरा नहीं कर रहा है। सैम, ये सैम था? बेचारा मामू वाट लग गई लिए, इस बार तो शाने ने हद ही कर दी। वो क्या है, ये उसी की कैप है ना? ये कैप तो सैम, हाँ ये सैम की कैप है। मतलब इसके पीछे वो है, पर उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं ये और नहीं झेल सकता। बदमाशों ने सनी को डराकर सैम को दोषी ठहराया, लकी उनकी बातों में आ गया और सैम से दुश्मनी कर बैठा। सैम तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कह रहे हो? तुम क्यों मेरे सनी के पीछे पड़े हो? हाँ तुम्हें मेरी कैब मिल गई, कहाँ थी ये? बेशर्म लड़के, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? अरे लकी क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे परेशान कर लो, पर सनी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों? लेकिन मैंने किया क्या है? तुम घटिया इंसान, कब तक मासूम बनते रहोगे? सनी हमला करो अभी। सनी हमला करते रहो, आक्रमण। इवान हमला नहीं, रुक जाओ। सनी सैम तुम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रुको लकी। इसके बाद लकी को दूसरे स्कूल भेज दिया, फिर वो अचानक से एक लीग में दिखाई दिया और पहले से ज्यादा ताकतवर, वो बिल्कुल बदल गया है। वो बदमाश लड़के, सैम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी उसे दोषी ठहराया क्यों? तुम्हें ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए, एक बार मैच से पहले उससे बात करके देखो। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की पर वो मेरी नहीं सुनता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो बेवजह तुम्हें दोष देता है, तुम फिक्र मत करो। ये रहा आपका पिज्जा। लाजवाब। अरे इतने कितने हाथ है तुम्हारे? दोस्तों तुम लोग कुछ लेते क्यों नहीं? सनी तुम्हें बहुत बुरा और लाचार लग रहा होगा। क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, सही कहा ना? शक्ति? मतलब शक्ति होने से मैं अपना बदला ले सकूंगा? बिल्कुल सही, अगर तुम्हें बदला लेना है तो ये लो। अब तुम्हारी वॉचकार का नई शक्तियों के साथ जन्म हुआ है, इसका नाम है फ्रोन, शक्तिशाली फ्रोन। नहीं मुझे जाने दो प्लीज। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, प्लीज उसे छोड़ दो। तेरा दोस्त क्या? इसीलिए तो हम उसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं बेटा। ये सब कहीं और जाके करना, उसे जाने दो, तुम अब भी नहीं सुधरे। लगता तुम ऐसे नहीं मानने वाले। ये कौन है बे?
ऐसा लग रहा है तेरे को कहीं देखा है अपुन। ये क्या तुम वो लकी हो? तुम थोड़े बदल गए हो यार, ये बालों को क्या हुआ लकी? चल टाइम खोटी नहीं करते हैं, क्यों ना पहले तेरे को मारता हूँ फिर बात करता हूँ। अरे मेरे को जाने दे। ए शाने, तेरी तो वाट लगाएगा अपुन। अगली बार सामने आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ लड़कों, तुम जिस लकी को जानते थे अब वो नहीं रहा। जिस जिसने मुझे परेशान किया अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एवान, तुम्हें उस कोने से बाएं मुड़ना था। चलो फिर से करते हैं। आज सैम का जन्मदिन है पर वो काफी गंभीर लग रहा है। उसका जन्मदिन और लियो के साथ मैच एक ही दिन हो गया है, क्या करें? ऐसे में उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। दोस्तों इधर आओ। आ गया, वो आ गया। सैम यहीं आ रहा है, वो भी अभी। बहुत अच्छे, जब सैम यहाँ आएगा उसके चेहरे पर ये केक फेंक देंगे। इससे वो जल्दी खुश हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे सैम। अरे ये तो सिड है। ये क्या हुआ? मैं यहाँ छुप जाती हूँ और जब सैम बॉक्स खोलेगा, टडा! बहुत सही, शानदार। देखो वो आ रहा है। सैम को जरूर आश्चर्य होगा, है ना? आयशा बाहर क्यों नहीं आ रही है वीर? ये क्या हो रहा है? क्या सही समय आ गया है? ये तो गलत हो रहा है। आयशा, जन्मदिन मुबारक हो सैम। ये क्या हो रहा है? आयशा, 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 ये तीनों कर क्या रहे हैं? मैंने स्नो चेन लगा दी है, अगर लकी बर्फीली सड़क बनाता है तो भी इवान फिसलेगा नहीं। धन्यवाद, ये मैच में बहुत काम आएगा। ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी। लेकिन सैम, लकी अब बहुत ताकतवर हो गया है, वो लीग में एक भी बार नहीं हारा है। हाँ पता है। लगन से जुटे रहना और बाजी जीत जाना, कैसा लगा ये? हाँ हाँ बिल्कुल, लकी को अब पुरानी बातें भूलनी होगी। ये शायद सही मौका है गलत फहमियां मिटाने का। जोश से भरे इस मैदान में मैं बुलाता हूँ हमारा जाबाज खिलाड़ी एवान। बैटल मोड ऑन। वॉच कार जो किसी को भी बर्फ बना दे, एक अविश्वसनीय वॉच कार फ्रॉन। बैटल मोड ऑन। थोड़ा डरा हुआ लग रहा है ना? हाँ सही कहा, अगर वो इसी तरह पुरानी बातें सोचता रहा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बर्फ का आंख से मुकाबला, मजा आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं
चाहूं तो इनको चुटकी में हरा दूं। ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, मुझे यकीन है, क्योंकि ये बर्फ और आग के बीच की लड़ाई है दोस्तों। क्या आग बर्फ को पिघला देगी या फिर बर्फ आग को जमा देगी? आप इस सत्र का सबसे बेहतरीन मैच देख रहे हैं, तैयार हो जाइए वो देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा। दोस्तों दिल थाम के बैठिए। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है और आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे सैम। मुझे तुम्हारी गलतफहमियों से कोई मतलब नहीं, मैं बहुत ध्यान से खेलूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। युद्ध शुरू किया जाए। मैं तुम्हें अपने गुस्से की असली ताकत दिखाता हूँ। फ्रोज हमला करो। तुम्हें पता है ऐसा गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाएगा। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। तुम्हें सच में लगता है इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा? फ्रॉस्ट बीम आक्रमण। तुम बड़े कमजोर निकले, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बर्फ की असली ताकत। फ्रॉस्ट बीम आक्रमण। हाँ, इसमें इतनी ताकत कैसे? ये तो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, फ्रोन अब वो पुराना कमजोर सनी नहीं रहा, ये अब बर्फीले तूफान का मास्टर है। फ्रोन क्रिस्टल लेजर आक्रमण। एवान अपना कमाल दिखाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ एवान। क्रिस्टल लेजर आक्रमण। एवान, हे भगवान, ये तो गजब है, एवान को तो जमा ही दिया। ओ सचमुच अद्भुत प्रदर्शन, एवान बर्फ में फंस गया है। एवान, हे भगवान, एवान तो पूरी तरह जम रहा है। तापमान ज्यादा गिरने की वजह से वो अपनी ताकत खो रहा है। अब ये हार जीत की बात नहीं है, अगर वो नहीं निकल पाया तो उसका एआई हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। दोस्तों एवान, तुम इससे निकल सकते हो, चलो कोशिश करो। कोई फायदा नहीं, वो उस बर्फीले पत्थर से नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं। एवान इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकता है, सारी शक्ति लगा दो। बॉडी हीटिंग शुरू। बर्फ से निकलने में कामयाब हो गया। क्या ये बर्फ से कैसे निकल गया? अब ठीक है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। ये क्या कर रहे हो? हमला करो, चलो अभी हमला करो। सैम, ये मत समझो कि सब खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें इवान की असली ताकत दिखाता हूँ। पावर कॉइन, पावर कॉइन फ्राई। आइस बोर्ड आक्रमण। फायरबर्ड आक्रमण।
सैम, आज तुमने मुझे सबक सिखा दिया है। मैं अब कभी बीते वक्त के बारे में नहीं सोचूंगा। लकी, तुम दिल से बहुत अच्छे हो। अब तुम पहले जैसे कमजोर बच्चे नहीं रहे। हाँ, मैं अब खुल के बहुत दोस्त बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हारा पहला दोस्त मैं बन सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे दोस्त।